आइए आज 2016 का सेट नंबर 3 हल करते हैं। क्लास 10th यूपी बोर्ड है। पहला है दृष्टि रिप्लाइड, इसमें से दो क्वेश्चन आया, व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप, क्या होगा यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है, आपको शुरुआत में मिलेगी इफ धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड, यही इफ से लेकर रूइंड तक बताना है। हुआ नकुल, नकुल कौन थे इसको आपको बताना है। नकुल वाज द सन ऑफ माधुरी एंड ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर भी कह सकते हो, बिल्कुल। चलिए आगे है, हाँ इसके बारे में अगर आप पूरा तैयार करना चाहते हो सारे चारों पार्ट के कंप्रेंशन क्वेश्चन की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्लास 10th के नाम से प्लेलिस्ट। चलिए दूसरा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हुआ साकडेज व्हाट वर इज टीचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ साकडेज व्हाट वर इज टीचिंग, क्लियर। और गंगा का भी इम्पोर्टेंट है, तो इस दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, वीडियो भी अपलोड है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे जो है आपका है चौथा, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज, गंगा किस चीज़ का प्रतीक है। दूसरा सिलेबस में नहीं है, तीसरा सिलेबस में नहीं है, तो ये किस चीज़ का प्रतीक है। गंगा सिंबलाइजेज इंडियाज इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वीडियो भी इसकी अपलोडेड है पूरे पार्ट की। देखिए यूनिक का किससे मिलाया जाएगा, बीइंग ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, अपने प्रकार का एक होना यानी अद्वितीय होना। स्कल्पचर का क्या होगा, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, पत्थर को तराशने की कला, जो मूर्ति वगैरह बनाया जाता है। मिस्ट्री का क्या होगा, सीक्रेट। ग्रेविटी का सीरियसनेस, गंभीरता होता। अब यहाँ ब्राइडल सॉन्ग्स वाला पार्ट जो आया है, बीले सॉन्ग क्या है जिसके कवित्री हैं सरोजिनी नायडू, कह रहा है कि व्हाट डू द सन एंड विंड सिंबलाइज, सूर्य और हवा किसके प्रतीक हैं। हु आर कॉलिंग द डॉटर, लड़की को कौन बुला रहे हैं, तो इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, क्लास में भी पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए छठवां क्वेश्चन आपका है नेशन बिल्डर्स द फाउंटेन, तो नेशन बिल्डर्स आपके सिलेबस में नहीं है, द फाउंटेन है, चार लाइन की या तो कविता लिख दो। अगला है व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लोगों से एडिसन क्या वादा किया था। व्हाट इज किंग विक्रमादित्य फेमस फॉर, तीसरा किंग विक्रमादित्य किस लिए प्रसिद्ध है, तीसरा सिलेबस में नहीं है, पहला दूसरा हम लिखाए भी हैं, वीडियो भी इसकी बनाए हैं, अपलोड किए हैं। अगला पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स, विक्रमादित्य किंग विक्रमादित्य लव जस्टिस एंड लर्निंग, सही। लुजलांग वाला सिलेबस में नहीं, काट दो। एडिसन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड, गलत। एडिसन मेड मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट्स, बात सही है, 1000 से ज़्यादा किया था यानी 1200। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ स्टोन, एडिसन वाज फाउंड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। गिल्टी ट्रम्बल बिफोर विक्रमादित्य, ही वाज इंटेलिजेंट एनफ टू डिस्कवर देयर गिल्ट, डी वाला सिलेबस में नहीं, काट दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इनिंग्स बाई एंड द मैच वन इंडिया, लिखा इंडिया वन द मैच बाई एन इनिंग्स, इनिंग्स माने तो पारी है, एक पारी से मैच जीत लिया। आई नो ही नोज मी वेल, आई एम वेल नोन टू हिम, आई एम वेल नोन टू हिम, नो के पहले वेल का प्रयोग अच्छा माना जाता है, एडवर्ब है क्योंकि वेल, क्लियर। आई एम वेल नोन टू हिम, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी के बाद इफ लगा दो, अब यू का मी के अनुसार आई कर दो, आर का वाज कर दो। वेटिंग फॉर, फिर माई का हिज हो जाएगा, ही के अनुसार। फादर टूडे का दैट डे हो जाएगा, क्लियर। फिर से सुन लो, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज वेटिंग फॉर हिज फादर दैट डे, आई शैल गो होम व्हेन ही कम्स रहेगा, क्योंकि ये व्हेन और इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, अगर अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में है, क्लियर। जब वो आएगा तब मैं जाऊँगा, व्हेन ही कम्स रहेगा, इतना ध्यान देना, गागे की दोनों माता, तो व्हेन या इफ वाला क्लाज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फॉल, लिख दो या फॉल डाउन कर दो, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ, क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कंप्लीट द स्पेलिंग, तो इसमें बिटवीन कर दो, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, मर्सीफुल कर दो, एम ई आर सी आई एफ यू एल। चलिए ट्रांस वो देख लीजिए, पंचुएशन, पंचुएशन पहले सी एस बड़े कर दीजिए, सेट टू हम मदर के बाद कामा लगाओ, इन्वर्ट कामा लगाओ,
फिर पी बड़े कर देना, प्लीज़ में गिव मी 1000 रुपीज़। डीज बात कहाँ रहे प्लीज़, कोई ज़रूरी नहीं है कामा, क्लियर? तो रुक के खाने के लिए कामा लगता है, प्लीज़ गिव मी, क्लियर? 1000 रुपीज़ आज आई आई बड़े कर दूँ, वांट टू बाई सम बुक्स। उसके बाद बुक्स के बाद फुल स्टॉप करके इन्वर्ट कामा बंद। तो देखिए इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, तो इलाहाबाद इज़ ए हिस्टोरिकल सिटी, इलाहाबाद इज ए हिस्टोरिकल सिटी। यह शिक्षा का केंद्र है, ठीक है, इट इज़ सेंटर ऑफ एजुकेशन, क्लियर? यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, देयर इज, हियर ना लिखो, देयर लिखो, सब्जेक्ट लिए देयर ही बेटर माना जाता है। देयर इज हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। हियर लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हियर को देयर में आप करके लिखोगे, क्लियर? आपके पास तो है नहीं, वहाँ पर है, वहाँ से जो कहेगा हियर, आप यहाँ से कहोगे देयर। देयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अब हियर लास्ट में लिखना चाहते लिख लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट देर ही लगेगा। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हियर, द गंगा एंड द यमुना रिवर्स मीट हियर। अब यहाँ देखिए आपके एप्लीकेशन लिखना प्रिंसिपल को, इन्फॉर्मिंग हिम, उनसे सूचना देना है योर सिकनेस, अपनी बीमारी के बारे में, कारण क्या बताना आपको अपनी बीमारी, एंड रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू लीव एब्सेंस फॉर 4 डेज, 4 दिन की छुट्टी मांगना है। ये अगला है राइट लेटर टू योर सिस्टर, बहन को पत्र लिखना ऑलरेडी मैरिड, जो कि पहले ही शादीशुदा है, इन्वाइटिंग, उसे इन्वाइट करना है बर्थडे पार्टी में अपने, बताया गया किताब में। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, आइडियल टीचर, जर्नी बाय ट्रेन, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखो। सरदार पटेल वाला भी हम आपको पीछे बता चुके हैं, फिलहाल इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर बता दे रहे हैं, व्हाट वाज द मेन क्वालिटी ऑफ सरदार पटेल, तो आप बिल्कुल इसको बता सकते हो, ही वाज ए स्ट्रिक्ट मैन, क्लियर? ये सब लिख सकते हो, पढ़ोगे तो जान लोगे। और भी इनके कुछ गुण हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वह एक कुशल प्रशासक भी थे, एक क्वालिटी और आप बता सकते हैं, यू वाज ए स्ट्रिक्ट मैन, यू वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, क्लियर? यहाँ है दूसरे वाले में, यह भी बता दो, या एंड करके एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरे वाले लाइन में। हाउ कैन यू से दैट सरदार पटेल हैड द स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, कैसे आप कह सकते हैं सरदार पटेल के पास कार्यों को संगठित करने की स्किल माने दक्षता थी, तो वह प्रॉपर आदमी को प्रॉपर पोस्ट पर रखना जानते थे, इसलिए तो बता दो कि वी कैन से दैट सरदार हैड द स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, आयज करके, जैसा कि ही न्यू, यहाँ नीचे से ही न्यू द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग प्रॉपर मैन फॉर प्रॉपर पोस्ट, क्लियर? ठीक, बस ये इतना लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, कई बार आया। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, कल की वीडियो में इसके आगे वाले सभी सेट हल कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।